देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में बुनियादपुर में दीदी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा चीट फंड के घोटालेबाजों के सबूत खोजो। जी हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर से एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पीड ब्रेकर दीदी के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जनता सजा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा, माँ काली की और भगवान शिव जी की इस धरती पर मेरा नमन। पूरा देश कह रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो रहा है। जो हो रहा है वो आपके इस प्यार और स्नेह से मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, माँ माटी और मानुष के नाम पर देश को धोखा दिया। पीएम मोदी ने कहा, ममता ने माँ माटी और मानुष के नाम पर देश को दिया है धोखा। भारी मतदान से स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद उड़ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, ममता बनर्जी को बंगाल का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। बुआ भतीजा से मिलकर पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही हैं। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए तो पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसा नहीं है। ममता सरकार न कर्मचारियों का ध्यान रखती है और न ही छात्रों का। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंक की लड़ाई में दीदी वोट बैंक को देखती हैं और हम आतंक को उसी की भाषा में जवाब देते, जिससे आतंकी अब देश में घुसने से भी डरते हैं। दीदी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो चीट फंड के घोटाले बाजों के सबूत खोजो। पीएम मोदी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या ऐसे लोग आतंकवाद को रोक सकेंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।